तो दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम है सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी 3.0 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया करंट अफेयर का, जो कि 2019 के हैं और ये एक सभी क्वेश्चंस मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि आपकी किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों मैं हमेशा इस चैनल पे जीके जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुंचे। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा। और इन सभी क्वेश्चंस का जो भी पीडीएफ है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है। तो याद रखना है आपको, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC के द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है। तो याद रखना है आपको, उनका नाम है साकिब अल हसन, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है, इन पर ICC के द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है। ICC के द्वारा आदर्श आचार्य संहिता की 3 धाराओं का उल्लंघन का आरोप है इन पर साकिब अल हसन पर, इसलिए बैन लगाया गया है ये। तो ये याद रखना है आपको। और ये बांग्लादेश के T20 टेस्ट मैच के कप्तान भी थे, तो ये याद रखना है आपको। और उनकी जगह पर अब बनाया गया है मोमिनल उल हक को टेस्ट मैच का कप्तान, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है, टेस्ट मैच का कप्तान बनाया गया है मोमिनल हक को। और T20 के जो कप्तान बनाए गए हैं उनका नाम है महमूदुल्ला, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये तीनों बातें याद रखनी है आपको, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में हुआ। तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में हुआ, तो याद रखना है आपको कहाँ पे हुआ, बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, जो कि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी याद रखनी है आपको। 31 नवंबर से 4 नवंबर तक ये 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ, ये याद रखना है आपको। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। और इसकी थीम क्या थी, तो याद रखना है आपको थीम, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना इसकी थीम थी। और 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में होगा, इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों की पीठ में सुनाया गया था। तो याद रखना है आपको, अयोध्या फैसला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने सुनाया था, 5 जजों ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अयोध्या फैसले से रिलेटेड मैंने एक डिडेक्टेड वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से बिल्कुल देख लीजिएगा। अयोध्या विवाद से जो भी क्वेश्चन है मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, इंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियोज़ को डिटेल में देख सकते हैं। और 9 नवंबर 2019 को ये अयोध्या फैसला सुनाया गया था, ये याद रखना है आपको। और 5 जजों के नाम आपको याद रखने हैं, उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम है जस्टिस रंजन गोगोई, और दूसरे नंबर पे जो उनका नाम है जज का जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, और चौथे नंबर पे जो हैं जस्टिस DBI चंद्रचूड़, पाँचवें नंबर पे जो हैं जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। तो ये पांचों जजों का नाम याद रखना है आपको। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है आपको, जो 47वें मुख्य न्यायाधीश 18 नवंबर 2019 को शपथ लिए हैं उनका नाम है Justice A Bobade, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 18 नवंबर 2019 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उनका नाम है Justice A Bobade। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया। तो किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया, ये बताना है आपको। तो किस देश में आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन किया गया, ये याद रखना है आपको। और ब्राज़ील की राजधानी का क्या है, ब्रासिलिया है ब्राज़ील की राजधानी, जो कि 13 और 14 नवंबर को ये किया गया 11वां ब्रिक्स सम्मेलन, याद रखना है आपको। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिक्स की, और इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। पहले ब्रिक्स में BRIC ये 4 देश ही भाग लेते थे, और अब हो गए हैं 5वां देश
एस मिल गया है साउथ अफ्रीका, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले ये चार देश थे लेकिन अब हो गए हैं पांचवा साउथ अफ्रीका, 2010 में ये जुड़ा है साउथ अफ्रीका, ये तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? उनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है और ये 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच किसके खिलाफ खेला है? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहे तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा हो तो। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। क्वेश्चन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया? तो ये जो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है तो बताना है आपको। तो याद रखना है आपको यूएई का संयुक्त राष्ट्र अमीरात का शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? तो हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, किसे चुना गया है याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नासिरा शर्मा को चुना गया है 2019 के व्यास सम्मान के लिए, और इनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए इन्हें चुना गया है, ये याद रखना है आपको। नासिरा शर्मा का उपन्यास जो है कागज़ की नाव, तो इसी उपन्यास के लिए इन्हें चुना गया है व्यास सम्मान के लिए, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो याद रखना है आपको चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाइना ने सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैंड एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि LPAI का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो LPAI का अभी चेयरमैन किसे बनाया गया है याद रखना है आपको, उनका नाम है आदित्य मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। LPAI किसके लिए काम करता है तो याद रखना है आपको, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्ट या फिर यात्रियों और सरकारी अधिकारियों को सुविधाओं का विकास करता है LPAI, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। आदित्य मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिश्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन को निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो प्रथम बिश्टेक ये जरूर याद रखना है आपको, इसका सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए, विशाखापट्टनम में, तो ये याद रखना है आपको। और बिश्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो 6 जून 1997 को यानी कि 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है, तो ये याद रखना है आपको। इस बिश्टेक में सात देशों का समूह है, सात देशों का नाम याद रखना है आपको। पहला नंबर पे जो है भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, तो ये पहली बार ये आयोजन किया गया है। दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के सात देशों का ये समूह है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको, और सातों देशों का नाम याद रखना है आपको, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, तो याद रखना है आपको, भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखना है आपको, तो भारत में किया जाएगा, ये याद रखना है आपको। फीफा का फुल नेम भी याद रखना है आपको, इसका फुल नाम क्या हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन।
और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में, यानी 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना है आपको। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फिंटो इनके अध्यक्ष है। तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तो रिपीट हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, याद रखना है आपको, असम ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए, तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ, तो किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ ये बताना है आपको, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया, तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट में की सूची में शामिल किया गया है, तो उनका नाम है दूती चंद। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की ये क्वेश्चन संभावना है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, याद रखना है आपको, जेयर बोल्सोनारो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, तो ये याद रखना है आपको, गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, जेयर बोल्सोनारो। और याद रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस पूरे हो जाने के बाद मैं दोबारा उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर में, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर ढंग से याद हो जाए, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो याद रखना है आपको, गोटबाया राजपक्षे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं गोटबाया राजपक्षे। और ये भी बात याद रखनी है आपको, श्रीलंका की दो राजधानियां है, श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनी पूरा कोट्टे, तो ये याद रखना है आपको। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया, तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, उनका नाम है सोफी विल्मस। तो सोफी विल्मस बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और बेल्जियम की राजधानी का है ब्रिसलन, बेल्जियम की राजधानी है ब्रिसलन, ये याद रखना है आपको। और बेल्जियम की मुद्रा क्या है, यूरो, तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांस प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो हाल ही में बांस प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, याद रखना है आपको, कहाँ बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में बांस प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2019 किस देश की टीम ने जीता है, तो रग्बी विश्व कप 2019 किस देश की टीम ने जीता है, तो ये रग्बी विश्व कप किस खेल से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है आपको, ये फुटबॉल से रिलेटेड है रग्बी विश्व कप, ये ज़रूर याद रखना है आपको। और किसने जीता है, तो साउथ अफ्रीका ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर साउथ अफ्रीका ने ये रग्बी विश्व कप 2019 टीम ने जीता है, और ये फुटबॉल से रिलेटेड है रग्बी विश्व कप, याद रखना है आपको। इसका आयोजन पहली बार एशिया में किया गया, और कहाँ पे किया गया, जापान में, ये याद रखना है आपको। इसका आयोजन रग्बी विश्व कप का आयोजन पहली बार एशिया में किया गया, एशिया में कहाँ पे किया गया, जापान में, तो ये ज़रूर से याद रख लेना है आपको। आइए एक बार सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर में, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको बेहतर ढंग से याद हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक करें, और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है, तो उनका नाम है साकिब अल हसन।
तो ये याद रखना है आपको। 35वां आशियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में हुआ, तो याद रखना है आपको बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, ये याद रखना है आपको। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये चला है और इसकी थीम क्या थी, स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों की पीठ में सुनाया गया, तो 5 जजों की पीठ ने सुनाया है ये अयोध्या फैसला सुप्रीम कोर्ट ने। और 5 जजों का नाम याद रखना है आपको, रंजन गोगोई, जस्टिस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। और इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 47वें मुख्य न्यायाधीश जो कि 18 नवंबर 2019 को शपथ ग्रहण किए हैं, उनका नाम है जस्टिस ए बोबड़े, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं 18 नवंबर 2019 को। तो ये ज़रूर से याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया, तो याद रखना है आपको ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया, ब्राज़ील के ब्रासिलिया जो इसकी राजधानी है वहाँ पे किया गया, ये याद रखना है आपको, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में ये आयोजन किया गया 13 और 14 नवंबर को। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, याद रखना है आपको, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई और पहला इसका सम्मेलन 2009 में हुआ था। पहले इसमें ब्रिक्स में ब्रिक्स की जो स्पेलिंग थी BRIC यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, लेकिन 2010 में 5वां देश जुड़ा जिसका नाम है साउथ अफ्रीका प्लस एस, याद रखना है आपको BRICS। अब ये 5 हो गए हैं, 5वां देश कौन सा जुड़ा है 2010 में, साउथ अफ्रीका। तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है रोहित शर्मा। और ये मैच जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच था बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया, तो UAE का यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया, तो हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, उनका नाम है नासिरा शर्मा, इनका उपन्यास है कागज़ की नाव, इसी के लिए इन्हें चुना गया है व्यास सम्मान के लिए। तो ये याद रखना है आपको, किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो चाइना ने किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लैंड एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि LPAI का चेयरमैन किसे बनाया गया है, आदित्य मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिस्मटेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया, तो याद रखना है आपको कहाँ पे किया गया, विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 7 दक्षिण एशिया, बिस्मटेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का समूह है, ये जो टर्म आपको दिया हुआ है, 7 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। बिस्मटेक की स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को, और इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2020 U17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा, तो याद रखना है आपको भारत में किया जाएगा, और ये भारत में किया जाएगा इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ज़रूर से याद रखिएगा। फीफा का फुल नेम क्या हो जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 यानी 1904 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जियानी एनफिंटनो। तो ये सभी बातें याद रखनी है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो याद रखना है आपको शिशु सुरक्षा ऐप असम ने लॉन्च किया है, असम राज्य सरकार ने, तो ये याद रखना है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों हेतु ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, तो ये याद रखना है आपको। हाल ही में किस राज्य में तवांग महोत्सव संपन्न हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया, तो उनका नाम है दूती चंद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन होंगे, उनका नाम है जेयर बोल्सनारो और ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, ये ज़रूर से याद रखना है आपको। श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया, उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका की 2 राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो और प्रशासनिक राजधानी है श्री जयोधर्मी पूरा कोट्टे, और यहाँ की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया। बेल्जियम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम है सोफी विल्मस। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रिसिलन, याद रखना है आपको, और मुद्रा क्या है, यूरो। हाल ही में बांस
प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो याद रखना है आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। रग्बी विश्व कप 2019 किस टीम देश की टीम ने जीता है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। रग्बी विश्व कप 2000 याद रखना है आपको, रग्बी विश्व कप फुटबॉल से रिलेटेड है और ये किसने जीता है, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा कर जीता है, ये याद रखना है आपको। इसका आयोजन पहली बार एशिया में किया गया, एशिया में कहाँ पे किया गया, जापान में। तो ये सभी बातें याद रखनी है और आज के लिए बस इतना ही। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, तो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन है चेंज मेकर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में देना है, ज़रूर से दीजिएगा। इसका ऑप्शन है नासिरा शर्मा, लीलाधर जागुड़ी, गोविंद मिश्र और पायल जांगिर। तो चेंज मेकर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। और अवार्ड 2019 जितने भी अवार्ड मिले हैं 2019 में, उसका वीडियो मैंने एक अलग से बना दिया है पूरे डिटेल में, और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इंड स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।